तो ये हो गया टॉप वाले एरिया के लिए फिटिंग, और ये गीजर वाला तो मैं आपको बता दिया। उसके बाद अब बारी है दोस्तों यहाँ पे डाइवर्टर का। ठीक है, डाइवर्टर आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 3 इनलेट का डाइवर्टर है, हाइट वगैरह क्या रखेंगे स्पाउट का, शावर का, उसके बाद ये डाइवर्टर का, चलिए बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आ रहा है दोस्तों फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर देखिए दोस्तों मैं बता दूँ आपको बाथरूम के अंदर क्यों दिया जाता है। देखिए ठंडी में टैंक का पानी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है और नहाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। ऐसे में उसी के सेम अपोजिट दोस्तों गर्मी में भी टैंक का पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, नहाने में दिक्कत होता है। तो अगर किचन में या फिर बाथरूम में अगर मोटर का आप सप्लाई देंगे, टैप देंगे फ्रेश वाटर ना, तो वहाँ पर दोस्तों नेचुरल के हिसाब से पानी आएगा। गर्मी में हल्का सा ठंडा आएगा, ठंडी में हल्का सा गर्म आएगा, नहा सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसीलिए बाथरूम में और किचन में हर जगह ये फ्रेश वाटर दिया जाता है। देखिए ये फ्रेश वाटर हो गया, राइट साइड से आ रहा है, और हर डाइवर्टर में दोस्तों अलग अलग होता है। ये प्लम्बर कंपनी का डाइवर्टर है। उसके बाद ये देखिए ये दोस्तों ये है हॉट वाटर जो कि लेफ्ट साइड से आ रहा है, और ये है दोस्तों शावर है। ठीक है, ये आउटलेट है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्पाउट वाला आउटलेट है। तो डाइवर्टर दोस्तों 3 इनलेट है, 2 आउटलेट है। अभी इसमें 2 आउटलेट क्या है, 3 इनलेट क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए पहला इनलेट हो गया दोस्तों कोल्ड वाटर जो कि टैंक से आ रहा है, दूसरा इनलेट हो गया दोस्तों फ्रेश वाटर जो कि मोटर वाला है, तीसरा इनलेट हो गया दोस्तों गीजर वाला हॉट वाटर जो कि यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, 3 इनलेट कंप्लीट हो गया, 2 आउटलेट समझिए। देखिए पहला आउटलेट हो गया स्पाउट का जो कि देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा आउटलेट हो दोस्तों हो गया ये सावर वाला जो कि यहाँ पे है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आप किस तरह से क्रॉस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कोल्ड वाटर है दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, और इसके जस्ट पीछे आउटलेट बन रहा है स्पाउट के लिए। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे यहाँ पे पॉइंट आप देंगे, देने का तरीका दोस्तों ये है, या तो आप इसको काफ़ी ज़्यादा डीप में खड्डा बनाइए, उसके बाद इसके पीछे से आप लगा दीजिए। लेकिन क्या दिक्कत होगा, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा अंदर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा तो उसमें बेफालतू का बिना वजह का कस्टमर का पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। जब पॉइंट अंदर हो जाएगा ना तो एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर फिटिंग में ही अगर आप 2.45 लगा देंगे, 2.45 में कम पैसा लगेगा, 2.45 लगा देंगे तो इस तरह से पॉइंट बाहर खींच लेना है। ठीक है, अब देखिए बाहर ले लिया मैं, उसके बाद यहाँ पे दे दिया 3/4x1x2 का ब्रास एल्बो। कैसे कनेक्ट हुआ है, देखिए ब्रास एम्प्टी ये हमेशा यूज करना, आपको टेप्लान में बिल्कुल भी कमी नहीं करना है। 35 से 40 राउंड तक टेप्लान को लगाएंगे। ठीक है, ब्रास एम्प्टी ये लगाएंगे हमेशा, नहीं तो चलेगा नहीं, वो लीक कर जाएगा, और लीक कर गया टाइल्स में ना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा रिपेयर वगैरह करने में। तो देखिए ब्रास एम्प्टी ये दिया, टोटल 5 ब्रास एम्प्टी ये लगा है 3/4x1x2 का, यानी कि 1/2 का। ये कोल्ड वाटर हो गया, उसके बाद देखिए ये स्पाउट वाला आउटलेट है, तो एमटीए में लगा के 2.45 बिल्कुल टच करके यहाँ पे देखिए लगा लिया और यहाँ पे पॉइंट दे दिया। उसके बाद यहाँ पे ये हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर है, ये स्पाउट है, ये फ्रेश वाटर है, मोटर है, ये सावर है। चलिए हाइट में बताता हूँ। देखिए टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से ये जो डाइवर्टर है, डाइवर्टर का जो ये कार्टेज है, थर्मोस्टेट हैंडल जहाँ पे आएगा, इसका जो हाइट है दोस्तों टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर जिसको आपको रखना है मिनिमम 40 इंच और मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 40 इंच, मैक्सिमम 42 इंच। उसके बाद देखिए ये सावर वाला पॉइंट है, सावर वाले पॉइंट का जो हाइट है दोस्तों देखिए टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से इसको आप रखेंगे कम से कम 6 फिट, मैक्सिमम 7 फिट रखेंगे। 7 फिट रखने का बेनिफिट ये है कि दोस्तों जो 6 फिट के कोई आदमी अगर आ जाए नहाने के लिए तो उनको बिल्कुल आसानी से खड़ा होकर नहा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप 6 फिट देंगे ना तो 6 फिट के आदमी को नहाने में दिक्कत होगा, सावर का इंजॉय नहीं कर पाएंगे, झुक के या फिर बैठ के नहाना पड़ेगा। इसलिए सावर का जो हाइट है टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से कम आप 6 फिट दीजिए, मैक्सिमम 7 फिट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये डाइवर्टर कंप्लीट हो गया, सावर का हाइट कंप्लीट हो गया, नीचे देखिए स्पाउट है, स्पाउट का हाइट आप समझिए। देखिए टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से स्पाउट का जो ये हाइट है ना कम से कम 30 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 32 इंच रखेंगे। ठीक है, प्रॉपर फिटिंग करना है इस तरह से, ताकि जो है कस्टमर किसी भी तरह का कंप्लेन ना कर पाए, और ना ही इन फ्यूचर दोस्तों इसमें किसी भी तरह का ब्लॉकेज आए, प्रेशर का भी प्रॉब्लम ना आए यहाँ पे। ठीक है, वो सब सोच समझ के करना है, साथ ही साथ दोस्तों मटेरियल भी बचाना है, ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो प्रॉपर फिटिंग हो गया है यहाँ पर, और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, देखिए यहाँ पे ये जो रेड लाइन दिया है ना पाइप के ऊपर, दिखाने के लिए नहीं दिया होता है ये, इसका एडवांटेज मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो ये दर्शाता है कि ये जो पाइप है ना इसमें आप कोल्ड वाटर हॉट वाटर दोनों ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर यही लाइन दोस्तों ब्लू कलर में होता तो ये दर्शाता है सिर्फ कोल्ड वाटर के लिए है, लेकिन यहाँ पर रेड लाइन है तो ये दर्शा रहा है कि इसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों आप ले जा सकते हैं। 82 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान को ये झेल सकता है। ठीक है, 6 kg प्रेशर पर। उसके बाद ये पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा ये है कि दोस्तों ये प्लम्बर के काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाता है। देखिए कैसे बनाता है समझिए। देखिए यहाँ पे एक एल्बो दिया हूँ मैं, इस एल्बो को मुझे इस डायरेक्शन में रखना है और इस एमटीए को यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना है। ठीक है, चलिए इसको
तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये धारी मिलाएंगे और यहाँ पे ये रेड लाइन मिलाएंगे, फिर ऊपर यहाँ पे ये धारी मिलाएंगे, रेड लाइन मिलाएंगे। ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा आपको, बहुत ही जल्दी काफ़ी तेज़ी से काम होगा और कस्टमर का फिटिंग भी बर्बाद होने से बचेगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 3 एडवांटेज होता है इसका, इसलिए यहाँ पे रेड लाइन दिया होता है, दिखाने के लिए होता है, ठीक है। रेड लाइन जब भी आप फिटिंग करें तो ये बिल्कुल फ्रंट पे होना चाहिए, सामने ही होना चाहिए। सामने वो इसलिए आएगा क्योंकि देखिए जब आप ये धारी मिलाएंगे ना तो ये रेड लाइन ऑटोमेटिक ये सामने ही आएगा। तो देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे फिटिंग कंप्लीट हो गया है, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मास्टर बाथरूम में डायवर्टर कैसे इंस्टॉल करते हैं, सीपीवीसी पाइप को प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं, प्रेशर को कैसे मेंटेन करते हैं, आपने देखा सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया हूँ वो सब आपके समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए, दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।